पैटर्न चेंज भी हो सकता है, आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन में डिले हुई पैटर्न चेंज हो गया, एसएससी जीडी का भी इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का भी पैटर्न चेंज हो सकता है ना। तो आज का यही टॉपिक है, क्या एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न चेंज होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड पैटर्न हो सकता है एसएससी सीएचएसएल का इस बार। हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो कल ही हमने प्रिडिक्ट किया था कि हो सकता है कि एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न चेंज होने वाला है ना, और बिल्कुल वही हुआ है। आज एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ गई है और बिल्कुल जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि इसमें मेंस आ सकता है, और वही हुआ। ठीक है, मेंस आ गया है, तो जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है नोटिफिकेशन जो अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले ही नोटिफिकेशन आई है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या है, क्या आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो डेट है, लास्ट डेट कब से फॉर्म फिल होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो पैटर्न जो चेंज हुआ है, पैटर्न में जो चेंज हुआ वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है सबसे पहले देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आई है उसमें फॉर्म फिल का जो डेट है आपका, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 6/12 से लेके 4/1, ठीक है, मतलब 6 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रिसीप्ट करने का, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग डालेंगे उसका जो रिसीप्ट डेट है वो 4/1 तक, आप उसका जो लास्ट डेट है वो 4/1 तक रिसीप्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का ले सकते हैं। ठीक है, जो चालान के थ्रू करते हैं वो भी 4/1 तक है। ठीक है, चालान से जो आप लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ठीक है, तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का 5/1 तक है। ठीक है, और चालान के थ्रू करना है तो 6/1, तो एक महीने का लगभग उन्होंने टाइम दिया है आपको फॉर्म फिल करने का। और सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम का डेट कब है ना, कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका फरवरी या मार्च में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और टीयर टू जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ टीयर टू यहाँ पे ऐड हो चुका है और उसका अभी टू बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, तो अभी इसका डेट बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन वो हमें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन टीयर वन का जो इम्पोर्टेंट है वो फेब, यानी आपका फरवरी या फिर मार्च। ठीक है, या फरवरी या मार्च के बीच में आपका हो सकता है। तो याद रखिए, आपके पास 2 से 2.5 महीने का वक्त है। ठीक है, तो अभी से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो और चीज़ें हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज, अभी एक छोटी सी वीडियो है। फिर पैटर्न का जो डिस्कशन है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे क्या पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो पोस्ट वगैरह जो है इसमें क्या क्या पोस्ट है, जैसे आप जानते हैं कि इसमें DU का पोस्ट होता है, LDC का पोस्ट होता है, JSU का पोस्ट होता है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अभी जो है जो मेन चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम जो है आपका 6/12 से आपका फॉर्म फिल का डेट है, मतलब आज से शुरुआत है फॉर्म भरने का, और 4 जनवरी लास्ट डेट है ना, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। देखिए, हाँ यही है, तो जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दो टीयर में होंगे, टीयर वन और टीयर टू। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दो टीयर में होगा, टीयर वन और टीयर टू। तो पहले जो आपका टीयर वन होता था, अभी भी जो टीयर वन है, ठीक है, वो सेम है, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। टीयर टू का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, और जो आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग का पार्ट था वो ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि हो सकता है कि एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग ख़त्म कर दे, क्योंकि सीजीएल से ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल सीजीएल वाला पैटर्न है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो टीयर वन है, टीयर वन बिल्कुल सेम है आपके इंग्लिश, ठीक है, उसमें इंग्लिश है, GA है, ठीक है, रीजनिंग है और क्वांट है। ठीक है, सबके 25 क्वेश्चन हैं जो आपका अभी तक होता आ रहा है, 25-25 क्वेश्चन है, और 50 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 50 नंबर के, ठीक है, ये 50 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग आपका क्या क्या है, 0.5,
तो एक क्वेश्चन दो नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग ये है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने बेसिक नॉलेज लिखा है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक अरिथमेटिक स्किल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने लिखा बेसिक अरिथमेटिक स्किल, तो जब हम इसका सिलेबस देखते हैं तो उसमें उन्होंने एडवांस पार्ट को भी ऐड किया, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है कि वहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक होगा या फिर सिर्फ अरिथमेटिक होगा या फिर आपका प्री में एडवांस के भी पार्ट पूछे जाएंगे। सिलेबस में एडवांस का भी पार्ट है, सिलेबस का भी डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ सिलेबस, ठीक है, पैटर्न, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो अभी सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये है आपका टीयर टू का पैटर्न, आप देख सकते हैं CGL का भी पैटर्न इस टाइप का था और CHSL का भी पैटर्न टीयर टू में आपका जो आया है वो बिल्कुल उस टाइप का, नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है। CGL उसमें भी था आपका, आप देखिए मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, पैटर्न का डिस्कशन हम लोग बढ़िया से करेंगे, है ना, ठीक है। ओवरव्यू देता हूँ कि सेक्शन वन, अब इन्होंने क्या किया, एक सेशन वन रखा है, एक सेशन टू रखा है, ठीक है। सेशन वन में सेक्शन वन है जिसमें दो मॉड्यूल में उन्होंने डिवाइड किया, मॉड्यूल वन में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज और मॉड्यूल टू में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल 80 क्वेश्चन है और इसके लिए एक घंटा का समय है आपका, ठीक है। सेक्शन टू में उन्होंने मॉड्यूल वन रखा है, मॉड्यूल टू रखा है। मॉड्यूल वन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। CGL में आपका ये 45 क्वेश्चन का था, यहाँ पे 40 है, ठीक है। और CGL में यहाँ पे 25 क्वेश्चन का था, यहाँ पे 20 है, यहाँ टोटल 60 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का 180 और इसके लिए भी आपका 1 आवर है, क्या है, 1 आवर। तो ये देख सकते हैं कि आपका जो है CGL की बिल्कुल तरह है, CGL की तरह सिलेबस है, मतलब पैटर्न है और नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे घटाया गया। सेक्शन थ्री में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल CGL में 20 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन, इसके भी 3 नंबर के टोटल 45 नंबर और इसके 15 मिनट दिए गए आपके, क्या दिए गए, 15 मिनट दिए गए, तो उसमें भी 15 मिनट दिया गया है, लेकिन इसमें भी 15 मिनट दिया गया है, उसमें 20 क्वेश्चन का, इसमें आपका कितने क्वेश्चन का है, 15 क्वेश्चन का, ठीक है। और सेक्शन टू में एक आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, जो आप जानते हैं कि स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होता है, वो जो है आपका स्किल टेस्ट होगा DEO के लिए और टाइपिंग टेस्ट होगा LDC और JSA के लिए, ठीक है, JSA के लिए, ठीक है। तो इसमें DEO के लिए आपका 15 मिनट का है और JSA और LDA के लिए आपका 10 मिनट का है। तो ये आप देख सकते हैं कि दो सेशन में उन्होंने डिवाइड किया, सेशन वन और सेशन टू। सेशन वन आपका एक साथ होगा और सेशन टू आपका अलग से होगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि जो आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट बनेगा वो सिर्फ टीयर टू के मार्क्स से बनेगा। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरिट बनेगा वो टीयर टू के मार्क्स से बनेगा, है ना। तो अब जो खेल है आपका वो 180 और ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है वो क्वालिफाइंग है, ये क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। तो आपका जो मेरिट है वो कितने मार्क्स में बनेगा, 360 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये आपका टीयर टू का पैटर्न है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मॉड्यूल सेक्शन वन में मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन टू में इंग्लिश और GA और सेक्शन थ्री में कंप्यूटर और स्किल टेस्ट। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ टीयर टू, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब सेक्शन वन में जो मैथ और रीजनिंग है ये दोनों मिला के आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये भी आपको सेक्शन टू में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और ये भी आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको मैथ्स का अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, रीजनिंग का अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये नहीं है। बस दोनों मिला के जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर होगा वो कितना परसेंट होगा, इसमें भी दिया गया 30% होगा UR के लिए, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो ये तीनों सेक्शन अलग अलग आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, अगर किसी में भी आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा,
आपका वो आपको मेरिट आपकी मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, तो ये सब जो स्किल टेस्ट है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने कितने जो की इम्प्रेशंस होते हैं, कितने की डिप्रेशन, सॉरी कितने की डिप्रेशंस होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग DO और JSA और LDC के लिए LDC के लिए अलग से क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑफ 1 मार्क, ठीक है। Tier 2 में आपका 3 मार्क्स का है पेपर, 3 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्क जो है आपका नेगेटिव इसका 1 है, क्या है 1, मतलब 1/3 आपका नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, और ये जो सेशन 1 होगा वो आपका एक साथ होगा, सेशन 1 जो होगा वो ये जो तीनों सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 2, सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 और 2, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ये तीनों आपका एक साथ होगा। ये जो होगा सेशन 1 एक साथ होगा, ठीक है, एक साथ होगा, ठीक है, एक साथ होगा। तो ये आपको याद रखना है, 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय है, 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें और 15 मिनट कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये और जो इम्पोर्टेंट सिलेबस, ये जो देख सकते हैं आपको मैंने बताया था, ये Tier 1 का सिलेबस है, ये इंडिकेटिव सिलेबस Tier 1, इंग्लिश का सिलेबस दिया, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस दिया, सिलेबस का अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेबस को अलग से। Tier 1 का सिलेबस में देखो आपको बोला था अरिथमेटिक पार्ट ही, अरिथमेटिक स्किल ही चेक करना है, बट यहाँ पे इन्होंने ज्योमेट्री भी रखा है, अलजेबरा भी रखा है, ठीक है, मेंसुरेशन भी रखा है और ट्रिगो भी रखा है, ठीक है। तो मतलब ये जो होगा ये आपका बेसिक होगा, अगर आप और चार्ट्स वगैरह जैसे डायग्राम, पाई चार्ट, टेबल डायग्राम, ठीक है, टेबल आते हैं, पाई चार्ट आते हैं, लाइन ग्राफ आते हैं, है ना, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपका जहाँ तक लगता है ये बेसिक पूछा जाएगा आपका, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक होगा, क्योंकि उसमें बोला गया कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल आपको चेक करवाएंगे, मतलब एडवांस जो पार्ट होगा उसका भी बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा गया, बिल्कुल मतलब लेवल जो होगा वो बिल्कुल ईजी होगा ये सब पार्ट, ठीक है। और अर्थमेटिक में आपका जानते हैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ये सब सारे चीज़ें, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिलेबस हमें डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव है CGL का भी बड़ा बदलाव हुआ और CHSL का भी बड़ा बदलाव है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिस्कशन के लिए। कंप्यूटर का उन्होंने सिलेबस दिया, Tier 2 का अलग से सिलेबस है और Tier 1 का अलग से सिलेबस है, ठीक है, ये आपका ये हाँ देखिए आप मोड ऑफ सेलेक्शन, ये बेहद ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। मोड ऑफ सेलेक्शन मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब क्या रूल्स बनाए गए हैं। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3 ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। तो आप देखिए, आपका UR के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आपको 30% स्कोर करना ही पड़ेगा। आप अगर मान लो सेक्शन 1 में पूरा 100 में 100, 180 में 180 स्कोर कर देते, लेकिन अगर आप सेक्शन 2 में 54 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते दोनों सब्जेक्ट मिलाकर, तो आपका जो है वो पूरा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप, ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम से, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और जो चीज़ें हैं, अब देखिए यहाँ पे देखिए, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन Tier 2 एग्जामिनेशन ओनली। ये जो आपका है, यही जो आपको मैंने बताया था कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ Tier 2 के बेसिस पे बनेगी, मतलब Tier 1 अब आपका क्वालिफाइंग हो गया जैसे SSC CGL का है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सिर्फ Tier 2 एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस से बनेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेकिन हमें Tier 1 का भी तैयारी करना है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बस बाकी आपका जो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ssc.nic.in में जाना है, ssc.nic.in
लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हम लोग दे देंगे, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वहाँ पे जाके अप्लाई कर देना आपको। तो ये अप्लाई कैसे करना वो सारा पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह, तो अभी आप 2-3 दिन रुक जाइए, ठीक है, हम आपको बताएंगे कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, ठीक है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, क्या आपका होगा, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे। तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। और कुछ इम्पोर्टेंट जो अभी के लिए है, अभी के लिए इम्पोर्टेंट, हाँ, फोटोग्राफ्स जो है आप देख रहे हैं SSC में आजकल फोटोग्राफ्स जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है ना, चश्मा पहन के आप फोटो डालते हैं तो रिजेक्ट किया जाता है, स्पेक्स में आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा फ़ोटो होना चाहिए, देखिए सैंपल दिया गया है। बाकी अगर इस टाइप में कोई भी हुआ, देखिए अगर ये स्पेक्स से है तो इसका कैंसिल हो गया है, तो इस टाइप में अगर कोई भी फ़ोटो हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, ठीक है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ का सैंपल दिया गया, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो फॉर्म सर्टिफिकेट वगैरह OBC वगैरह जो भी है इसका ये सैंपल वगैरह दिया है, तो अब जो है बेसिक डिस्कशन यही है। तो और कुछ डिस्कशन करना है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, ओके। तो चलते हैं हम लोग अपने जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे। तो ये है, तो जो CHSL की नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आज आई है, आपको सबको पता है। तो अब क्या है कि CGL टीयर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, और अब आपको CHSL का भी ध्यान रखना है, जिनका CGL का एग्ज़ाम थोड़ा सा भी अगर ख़राब हुआ है तो आप डीमोटिवेट मत होइए, आपके पास ये क्या हुआ है, एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है, एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप गवाए नहीं, ठीक है। और एक चीज़ है, टोटल जो वैकेंसी है वो 4500 है, ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है वो 4500 है, और ये घट भी बढ़ भी सकती है, ठीक है, ये जो है वैकेंसी हो सकता है, घटने का तो चांस नहीं है, घटेगा तो नहीं, बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो टोटल वैकेंसी जो है आपका वो 4500 है, ठीक है, टोटल वैकेंसी आपका क्या है, 4500 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो अभी से आप इसके प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना। और अब आपको 2 टीयर की तैयारी करनी है, Tier 1 और Tier 2, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा CHSL के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो जो होगा मैं पूरा कंप्लीट पैटर्न, जो चेंज पैटर्न है वो सारा डिस्कस करूँगा कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, और कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।